दोस्तों, गन्स एंड ग्लव्स नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है और इसके क्रिएटर है राजन डीके, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसी सीरीज बनाई है। और अगर कोई डायरेक्टर लगातार कमाल की मूवीज एंड सीरीज बनाता है तो उसके अगले प्रोजेक्ट पर एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती है। तो क्या गन्स एंड ग्लव्स उनकी बेस्ट कैटेगरी में आती है या एक एवरेज सीरीज है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, गन्स एंड ग्लव्स एक डार्क कॉमेडी सटायरिकल गैंगस्टर ड्रामा सीरीज है जो 90s के एरा पर बेस्ड है और इसमें कुल 7 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है और फाइनल एपिसोड 1 घंटे 21 मिनट का है। और भाई साहब, फाइनल एपिसोड में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और इन सभी एपिसोड में फाइनल एपिसोड लाजवाब है। ये सीरीज इंस्टेंटली आपका ध्यान खींच लेगी बाबू टाइगर के मर्डर से और बहुत सारे कैरेक्टर्स के इंट्रो से। इसमें बहुत सारे सबप्लॉट्स है जो धीरे धीरे एक साथ जुड़ जाते हैं। कॉमेडी की टाइमिंग परफेक्ट है और हर एक जोक परफेक्टली लैंड करता है। कुछ सीन जिसमें टिपू अपने इंग्लिश के साथ ट्रबल करता है वो भी काफी अच्छे है। आत्माराम का कैरेक्टर इस सीरीज में सबसे बेस्ट कैरेक्टर था। सीरीज के सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से लिखा गया है, चाहे टिपू का लव एंगल हो, अर्जुन की उसकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो या जुगनी की लाख कोशिश अपने पिताजी जैसा बनने की, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और इसका पता आपको फाइनल एपिसोड में चलेगा। राजन डीके अपने हर एक प्रोजेक्ट से हमें इम्प्रेस कर रहे हैं और हर एक शो में डार्क सटायरिकल कॉमेडी उनका प्लस पॉइंट है। इस सीरीज का सबसे बेस्ट पॉइंट इसका ह्यूमर था और राजन डीके का गो गोवा गोन के बाद सबसे बेस्ट ह्यूमर था। सीरीज की रेट्रो वाइब आपका मूड बनाएगी इस सीरीज को कंटिन्यू करने में। अब स्टार्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीरीज में सभी के सभी कमाल के कलाकार है, लेकिन गुलशन देवायन ने जैसे आत्माराम के कैरेक्टर को प्ले किया है उन्होंने अपने एक्टिंग से सभी को पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं वो अपने कैरेक्टर के खौफ के साथ साथ आपको हंसाएंगे। राजकुमार की कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी थी। दुलकर सलमान ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है और आदर्श गौरव भी अपने परफॉर्मेंस को दिन ब दिन काफी अच्छा करते जा रहे हैं। सतीश कौशिक जी ने भी कमाल की एक्टिंग की है। बाकी सभी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी एक्टिंग से इस सीरीज को बिंज वॉच बना दिया है। ओवरऑल ये सीरीज राजन डीके की बेस्ट ना सही लेकिन काफी अच्छी सीरीज है। तो अगर आपने गन्स एंड ग्लव्स देखी है तो आपको ये सीरीज कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा।